मेरा नाम लिली है और मैं करीब 40 साल की हूँ। आप कह सकते हैं कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में काफी कुछ किया है। मैं एक पुलिस ऑफिसर रह चुकी हूँ, फायर फाइटिंग के लिए वॉलंटियर कर चुकी हूँ और यहाँ तक कि ट्रैफिक ऑफिसर का काम भी कर चुकी हूँ। उन सभी नौकरियों में से जो मैंने की है, क्या आप यकीन करेंगी कि सबसे खतरनाक काम था बेबी सिटर होने का? आपको यकीन नहीं हो रहा होगा ना? वेल, जब मैं आपको ये कहानी सुनाऊंगी तो शायद आपको यकीन होगा कि ऐसा क्यों है। वो नैनी के रूप में मेरा पहला दिन था और मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो मेरा आखिरी दिन भी होगा। मुझे अपने पड़ोस में रह रहे कपल के बच्चों का ध्यान रखना था। वो लोग जिन्हें मैं काफ़ी वक्त से जानती थी, उनके बच्चे थोड़े शरारती थे लेकिन उन्हें मेरे साथ बहुत अच्छा लगता था। वो मुझे तब से जानते थे जब से वो पैदा हुए थे। लिली, क्या आज तुम हमारा ध्यान रखोगी? यस एंजी, क्या तुम खुश हो? हाँ। हे लिली, क्या हम डरावना खेल भी खेल सकते हैं? देखते हैं। तो बच्चों, तुम्हें देखकर लगता है कि तुम काफी मजे करने वाले हो। मैं वादा करती हूँ कि मैं इनका ध्यान रखूंगी मैम। चिंता मत करो लिली, हमें तुम पर पूरा भरोसा है। हम कुछ ही घंटों में वापस आ जाएंगे। ध्यान रहे कि इन लोगों को जल्दी सुलाना है, ओके? ना, आज सैटरडे है, मुझे जल्दी नहीं सोना। माफ करना बच्चों, मेरे हाथ बंधे हुए हैं। तुम बच्चे लिली की बात मानना, ओके? और अच्छे से रहना। हाँ जी मॉम। ठीक है। और इसके बाद उनके पेरेंट्स मुझे अपने दोनों बच्चों के साथ छोड़कर चले गए, जिन्होंने मेरे ऊपर सवाल बरसाना शुरू कर दिया। लिली, मुझे भूख लगी है। लिली, क्या हम डिनर करने से पहले आइसक्रीम खा सकते हैं? लिली, मैं नहाना नहीं चाहती। लिली, लिली, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। ओहो, तुम दोनों बस भी करो, मेरे पास सिर्फ दो ही कान है। लेकिन हम भी तो बस दो ही है। लेकिन तुम ऐसे बात कर रहे हो जैसे 2000 हो। एक एक करके अपनी बात कहो ना। एंजी, पहले तुम। मुझे भूख लगी है। ठीक है, मैं खाना तैयार करती हूँ। अब तुम्हारी बारी है जेम्स। मुझे ब्लडी मैरी खेलना है। क्या ब्लडी मैरी? वो डरावनी गेम जिसके बारे में मैंने तुम्हें पहले बताया था। हमें बस इतना करना है कि बाथरूम में जाना है और वहाँ की सारी लाइट्स बंद कर देनी है और 3 बार उसका नाम लेना है। और अगर हम ऐसा कहते हैं तो ब्लडी मैरी आ जाएगी। मुझे पता है, मैं अपने दोस्तों के साथ बचपन में खेलती थी। वाह, तो क्या तुम्हें कभी कुछ अजीब देखने को मिला? नहीं, ये सब भ्रम है। तुम्हें इसमें अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। लेकिन तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम खेलोगी। और मैंने एंजी से भी वादा किया था कि मैं उसे खाना दूंगी। नहीं नहीं, मुझे भी खेलना है। क्या एंजी, तुम सिर्फ 12 साल की हो, ये खेल तुम्हारे लिए नहीं है। मैंने कहा कि मैं खेलना चाहती हूँ, तुमने वादा किया था। ठीक है, लेकिन सिर्फ कुछ ही देर के लिए, उसके बाद हम सब खाना खाएंगे। ठीक है? ठीक है, तुम सबसे अच्छी हो लिली। मुझे पता है। उस वक्त मुझे सबसे अच्छा होने का एहसास नहीं हो रहा था। मैं जानती थी कि मुझे और जिम्मेदारी दिखाने की जरूरत थी और बच्चों को खाने के लिए कहना चाहिए था, लेकिन कम तजुर्बा होने की वजह से मैं घबरा गई और मैंने बच्चों की बात मानकर उनके हिसाब से चलना शुरू कर दिया ताकि वो अपने पेरेंट्स के आगे मेरी तारीफ कर सकें। कहीं ना कहीं मुझे इस बात का खेद था और मैं बुरा भी महसूस कर रही थी, लेकिन मैं फिर भी उनके साथ गई और खेल के लिए सारी तैयारियां करवाई। हे, तुम उस कैंची के साथ क्या कर रहे हो? ये खेल का एक हिस्सा है। आपको ब्लडी मेरी के लिए कैंची रखनी होती है ताकि वो उससे आपको मार सके। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो वो नहीं आएगी। लेकिन तुम ऐसा क्यों चाहते हो कि तुम हमारे? क्योंकि इसके बिना वो नहीं आएगी। ठीक है, लेकिन मैं ये कैंची रख दूंगी, तुम इसे हाथ मत लगाना, समझे? ठीक है। हमने सब कुछ वहां पर लगा दिया और सच कहूं तो जब हम ये खेल खेलते थे तो इतना सब नहीं करते थे, इसलिए मैं थोड़ी डरी हुई भी थी। हमने सभी लाइट्स बंद कर दी और कुछ मोमबत्तियां जला दी, फिर हम बाथरूम के शीशे के सामने गए। लिली, याद रखना, अगर ब्लडी मेरी आई और उसने सारी मोमबत्तियां बुझा दी तो उसे वापस भेजने के लिए तुम्हें वो मोमबत्तियां फौरन फिर से जलानी होंगी। मुझे पता है, चिंता मत करो, जैसा कि मैंने कहा, यह सिर्फ एक खेल है। दिमाग में बहुत सारे सवाल लिए मैंने खेल खेलना शुरू कर दिया। मैं शीशे के सामने गई और मैंने कहा, ब्लडी मेरी, ब्लडी मेरी, ब्लडी। एंजी, क्या हुआ? मुझे ये नहीं खेलना, ये बहुत ही डरावना है। ठीक है, हम इसे यहीं बंद करेंगे। लेकिन हम बहुत करीब हैं। जेम्स, अब बस बहुत हुआ। क्या तुम देख नहीं सकते कि तुम्हारी बहन कितनी डरी हुई है? चलो एंजी, चलकर खाना खाते हैं। क्या ये सब एक साथ कैसे बुझ सकती है? ये ब्लडी मैरी है, ये ब्लडी मैरी है। शांत हो जाओ, ये ब्लडी मैरी नहीं हो सकती। मैंने तो उसका नाम लेना खत्म भी नहीं किया था। लिली, हमारे पीछे
जब मैं पीछे मुड़ी तो मुझे यकीन नहीं हुआ। ये सच था, एक अजीब सा दिखने वाला प्राणी हमारे पीछे खड़ा था। वो देखने में किसी महिला जैसे दिख रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर कुछ था, कुछ बहुत ही गलत। मुझे आसपास के माहौल में बदलाव महसूस होने लगा, जैसे उसमें बहुत दबाव हो। डर ने मुझे चारों ओर से घेर लिया और बच्चों का हाथ जोर से पकड़कर मैं पीछे की तरफ चलने लगी। बच्चों भागो! अपनी जान बचाते हुए हम सब एक साथ भागने लगे और डाइनिंग रूम में जाकर छुप गए। भागते हुए मैंने घर की लाइट चलाने की कोशिश की, लेकिन वो काम नहीं कर रही थी। मैंने दरवाजा खोलने की भी बहुत कोशिश की, लेकिन वो भी जाम हो गया था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी दूसरी दुनिया में कैद हो गए हैं। जब हम सोफे के पीछे लगे पर्दों के पीछे जाकर छुपे, तो मुझे एहसास हुआ कि ब्लडी मेरी धीरे धीरे हमारे पास आ रही है। छुपना बेकार था, उसे कैसे ना कैसे पता था कि हम कहाँ हैं, और उसकी वजह से उसकी आंखें नहीं थी, क्योंकि उसकी आंखों की जगह तो कुछ था ही नहीं। बच्चों, अगर हमने मोमबत्तियां जला दी तो ये खेल खत्म हो जाएगा। तुम दोनों किचन में जाकर छुप जाओ, मैं बाथरूम में जाती हूँ। नहीं, तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए, वो तुम्हें मार डालेगी। अब और कोई रास्ता नहीं है जेम्स, मुझे जाना ही होगा। तुम समझ नहीं रही, तुम इस नहीं। बिना जेम्स की बात खत्म हुए मैं बाथरूम की तरफ भाग गई और वो परछाई मेरे पीछे रह गई। मैंने फौरन अपनी जेब से लाइटर निकाला और मेरा ध्यान अचानक उस टेबल पर गया जहां मैंने कैंची रखी थी। अब वो वहां नहीं थी। मैंने एक मोमबत्ती हाथ में उठाई और उसे जलाने लगी। इन सब के बीच मुझे एक चीज से बहुत फायदा हुआ, वो ये कि ब्लडी मेरी बहुत ही धीरे धीरे चल रही थी। मुझे लगा कि मैं उसे हरा दूंगी, लेकिन तभी मुझे एक अजीब चीज का एहसास हुआ। चाहे जितनी भी आँख क्यों ना निकल रही हो, मोमबत्ती जल ही नहीं रही थी। मैंने और कोशिश की, लेकिन फिर भी नाकामयाब हुई। अब तक मेरे सामने ब्लडी मेरी आ चुकी थी। डर के मारे मेरे हाथ से लाइटर गिर गया और मैं रोते हुए पीछे होने लगी और उसके आगे दया की भीख मांगने लगी। जब मैंने उस राक्षस की आंखों में देखा, मुझे दर्द और दुख की भावना महसूस होने लगी। जैसे जैसे वो मेरे पास आने लगी, मैं उसे घूरने के अलावा और कुछ नहीं कर पाई। हर सेकंड मुझे मौत से भी ज्यादा भयंकर एहसास होने लगा। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं दर्द और तकलीफ के एक ऐसे अंधेरे में फंस गई हूँ जो मेरा है भी नहीं। मुझे लगने लगा कि मैं जीना नहीं चाहती। ये एक ऐसा एहसास था जो मैं जानती भी नहीं थी कि असल जिंदगी में लोगों को महसूस होता है। लेकिन उसी के साथ साथ ये मौत से भी ज्यादा बुरा होने की परिभाषा थी। मैं हार मान चुकी थी। मैं कैची को धीरे धीरे अपने करीब आते हुए देख रही थी और उसके मेरे शरीर में घुसकर मुझे खत्म करने का इंतजार कर रही थी। अचानक लाइट चल गई और जैसे वो वहां कभी हो ही ना, ब्लडी मेरी गायब हो गई थी। उसके पीछे मैंने एक बच्चे के रोने की आवाज सुनी और उसने अपने हाथ में एक जली हुई मोमबत्ती भी पकड़ी हुई थी। लिली, लिली, मैंने उसे बुलाया था। मैंने उसका नाम 3 बार लिया था जब तुम लोग किचन में गए थे। मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं जेम्स, तुमने हमारी जान बचाई है। उसकी बात बच्चे सीधे अपने बिस्तर में चले गए। वो खाना नहीं चाहते थे, ना ही नहाना चाहते थे, लेकिन वो सोना भी नहीं चाहते थे। वो लाइट जलाकर बिस्तर पर लेटे रहे और उन्होंने मुझसे रात भर उनके पास रहने को कहा। जब उनके पेरेंट्स घर आए तो वो मेरे काम से बहुत खुश हुए। मैंने उनसे पूछा कि क्या मैं वो रात उनके घर गुजार सकती हूँ, जिसके लिए वो खुशी खुशी राजी हो गए। और वो दिन मेरा पहला और आखिरी बेबीसिटिंग का दिन था। इतने सालों बाद भी मैं उन्हें अक्सर देखती हूँ। मैं उनकी बड़ी बहन की जैसी हूँ, लेकिन मैं जिंदगी में दोबारा कभी बेबी सिटिंग नहीं करना चाहूंगी। मुझे इस कहानी के माध्यम से मशहूर होने की इच्छा नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगी कि यह खेल कोई मजाक नहीं है। ये मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ताकि आप सावधान रहें। ब्लडी मेरी मत खेलना, कभी मत खेलना। अगर आप इस सब में विश्वास नहीं करते, तब भी मैं आपसे ये कहूंगी कि इतना बड़ा जोखिम मत उठाना, क्योंकि एक छोटे से खेल के पीछे ब्लडी मेरी तो आ जाएगी, लेकिन आपके लिए वो एक बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती है और आपको मौत से भी ज्यादा भयंकर नजारा दिखा सकती है। ओ, तुम तो जल्दी आ गए। खैर कोई बात नहीं, आओ। मैं चिड़ी हुई शक्ल लेकर सोफे पर बैठा था जब मेरी मॉम मेरे लिए बुलाए गए नए बेबी सिटर को कमरे में लेकर आई। मैं 12 साल का था और मुझे बेबी सिटर की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी, लेकिन मेरे पेरेंट्स जिद पर अड़े थे। एक पतला पढ़ा को दिखने वाला लड़का मेरी मॉम के साथ खड़ा था। वो मुझे काफी घबराया हुआ लग रहा था। तुम जरूर डिलन होगे। मेरा नाम जोशुआ है। मैंने अपनी मॉम की तरफ देखा और कहा, बहुत ही बढ़िया, ये मुझे पागल लग रहा है, दिख पागल रहा है और अब बात भी पागलों की तरह ही कर रहा है। क्या बढ़िया चॉइस है मॉम। डिलन, अभी के अभी इनसे माफी मांगो। ठीक है, माफ करना। जोशुआ झिझकते हुए मुस्कुराने लगा और फिर मेरी मॉम उसे घर के नियमों के बारे में बताने लगी। फ्रिज में काफी खाना है और मैंने किचन के काउंटर पर तुम्हारे लिए पैसे रख दिए हैं। अगर तुम दोनों चाहो तो अपने लिए पिज्जा ऑर्डर कर सकते हो। डिलन को डरावनी फिल्म देखना पसंद है, लेकिन इसे देर रात तक टीवी मत देखने देना, ठीक है? ठीक है मिसेस रॉजर। गुड बाय डिलन, तमीज में रहना ओके।
वो लोग चले गए और जोशुआ मेरे साथ आकर बैठ गया। तो तुम्हें हाँ हाँ डरावनी फिल्में। मुझे भी। क्या वाकई, क्या तुम कुछ डरावना देखना चाहोगे? हाँ क्यों नहीं। मैं जानता था कि वो झूठ बोल रहा था, वो बस दिखाना चाहता था कि वो बहादुर है। तो मैंने एक बहुत ही डरावनी फिल्म लगा दी जिसमें बहुत ज्यादा खून खराबा था। हमें वो फिल्म देखते हुए 10 मिनट हो गए थे। मुझे अभी से जोशुआ के चेहरा फीका पड़ता हुआ दिख रहा था, शायद वो मन ही मन चिल्ला भी रहा था। मुझे उसे परेशान और डरा हुआ देखकर बहुत मजा आ रहा था। क्यों ना हम अपने लिए पिज्जा ऑर्डर कर लें? हाँ, मैं ऑर्डर करता हूँ। वो भागते हुए किचन में गया ताकि उसे टीवी की स्क्रीन की तरफ ना देखना पड़े। मेरी हंसी तो रुक ही नहीं रही थी। मैंने सुना कि जोशुआ ने एक्स्ट्रा चीज वाला एक पेपरोनी पिज्जा ऑर्डर किया है, और तभी मेरे दिमाग में एक और खुराफाती आइडिया आया। क्यों ना मैं उसे छुपन छुपाई खेलने के लिए पूछूं? इस तरह मैं उसे और भी ज्यादा डरा पाऊंगा। जैसे ही जोशुआ वापस आया, मैंने उसे इस नए आइडिया के बारे में बताया और वो खुशी खुशी राजी हो गया। मुझे लगता है कि वो खुश हो गया था कि अब उसे वो डरावनी फिल्म और नहीं देखनी पड़ेगी। खेल शुरू करने से पहले मैंने वॉशरूम जाने की जरूरत महसूस की, इसलिए मैं हल्का होने चला गया। टॉयलेट की सीट पर बैठे बैठे मैं जोशुआ को डराने के अलग अलग आइडियाज के बारे में सोचकर खुश हो रहा था। और तभी मैंने दूसरी बार घर की घंटी की आवाज सुनी। मैं थोड़ा हैरान था कि पिज्जा इतनी जल्दी कैसे आ गया, लेकिन जब मैं बाहर आया तो मैंने देखा कि जोशुआ दरवाजा खोलकर खड़ा था और बहुत ही हैरान नजर आ रहा था। तुम बाहर क्या कर रहे हो? मुझे लगा कि पिज्जा वाला आया है, लेकिन जब मैंने दरवाजा खोला तो बाहर कोई नहीं था। तो फिर कहीं ये टीवी वाला भूत तो नहीं था? भूत जैसा कुछ नहीं होता। उसने दरवाजा बंद कर दिया और डरते हुए इधर उधर देखने लगा। ये लड़का तो बुरी तरह डरा हुआ था। मैंने एक भी और सेकंड गवाए हमने खेल शुरू कर दिया। पहले जोशुआ छुपने गया और मैंने उसे 5 मिनट के अंदर ही ढूंढ लिया। वो बेवकूफ पढ़ाकू ने खुद को किचन टेबल के कपड़े के नीचे छुपाया हुआ था। जब मैंने उसे पूछा कि वो बेसमेंट में जाकर क्यों नहीं छुपा, तो उसने कहा कि अंधेरे से मुझे डर लगता है। बस अब क्या था, उसने खुद ही मुझे एक बढ़िया प्लान दे दिया। मैंने उसे कहा कि अब छुपने की बारी मेरी है और अच्छा रहेगा अगर हम लाइट्स बंद कर देते। उसे देखकर पता चल रहा था कि वो डर चुका था, लेकिन खुद को एक जिम्मेदार बड़ा साबित करने के लिए वो मान गया। वो दीवार की तरफ मुड़ा और गिनती करने लगा। 1, 2, 3। मैं किचन के काउंटर के पीछे जाकर छुप गया और वहां से उसे देखने लगा। मेरे हाथ में टीवी का रिमोट था। जैसे ही उसने मुझे ढूंढना शुरू किया और टीवी के पास आया, मैंने अचानक टीवी चालू कर दिया और उसकी वॉल्यूम बढ़ा दी। टीवी में डरावना सीन देखकर वो और उछल गया और डर के मारे उसे जैसे दिल का दौरा ही पड़ गया। ये कोई मजाक नहीं है डिलन। उसने टीवी का प्लग निकाल दिया ताकि मैं ऐसे दोबारा ना कर सकूं। और तब मैंने सोचा कि मैं अपने मॉम डैड के कमरे में जाकर उसकी अलमारी में छुप जाता हूं। मैंने अलमारी खोली और मेरा जैसे दिल धड़कना बंद हो गया। चांद की रोशनी ठीक अलमारी पर पड़ रही थी, जिसकी वजह से अंधेरे में भी ठीक ठाक दिखाई दे रहा था। अलमारी के अंदर एक नौजवान का शव पड़ा हुआ था। उसके सर पर प्लास्टिक का बैग लपेटा हुआ था। दम घुटने की वजह से वो मर चुका था। मेरे माथे पर पसीना आने लगा था, मेरी टांगे कांप रही थी। एक और बार दरवाजे की घंटी बजी। अचानक मेरा ध्यान उस लड़के की जेब पर गया जिसमें से एक बटुआ बाहर निकल रहा था। कांपते हुए हाथों से मैंने उसे जेब से निकाला और उस लड़के की आईडी देखी। उस आईडी पर जो नाम लिखा था वो था जोशुआ मिलर। अगर मेरा असली बेबीसिटर मेरे पेरेंट्स की अलमारी में मरा हुआ पड़ा है तो फिर मैं इस वक्त छुपन छुपाई किसके साथ खेल रहा हूँ? ओ डिलन, तुम अपने मॉम डैड के कमरे की अलमारी में तो छुपने नहीं गए हो ना? मैंने उसके पैरों की आवाज कमरे में आती हुई सुनी। मैं फौरन बिस्तर के नीचे जाकर छुप गया। मेरा दिल पहले से ज्यादा जोर से धड़क रहा था। मेरे घर में कातिल घूम रहा था। बिस्तर के नीचे बने अंतर से मैंने उसके पैरों को कमरे में आते हुए देखा और फिर वो खुली हुई अलमारी के आगे आकर रुक गया। बधाई हो, तुमने अपने बेबी सिटर को ढूंढ लिया। मुझे एहसास हुआ कि खेल मैंने उसे खेलने को कहा था तो अब वो मेरे लिए जीने की जरूरत बन चुका था, क्योंकि मेरी जिंदगी अब इसी खेल पर निर्भर थी। मैंने अपने मुंह पर हाथ रख लिया ताकि वो कातिल मुझे जोर जोर से सांस लेते हुए भी ना सुन पाए। क्योंकि अब तुम इसे ढूंढ ही चुके हो तो मैं तुम्हें अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम काइल है। जोशुआ मेरा सबसे करीबी दोस्त हुआ करता था जब तक वो मेरी गर्लफ्रेंड के साथ नहीं सोया था। मेरा मतलब है, क्या तुम सोच सकते हो कि इस जैसा बेवकूफ किसी की गर्लफ्रेंड भी चुरा सकता है? इसलिए मैंने वही किया जो करना चाहिए था। वो अपनी कहानी पूरे कमरे में घूमते घूमते सुनाने लगा। बिस्तर के नीचे से मुझे सिर्फ उसके पैर हिलते हुए नजर आ रहे थे।
तो कुछ दिन पहले मुझे पता चला कि इसने कोई बेबी सिटिंग का काम लिया है, और तभी मैंने फैसला किया कि मैं इसे जान से मार डालूंगा। तुम तो जानते ही होगे कि किसी और के घर में उसे मारना ज्यादा सुरक्षित अपराध है। मेरा विश्वास करो, मैंने यही सोचा था कि मैं सिर्फ उसकी जान लूंगा, तुम्हारी या तुम्हारे पेरेंट्स की नहीं। मेरा प्लान सिंपल था, मैं उसके आने से पहले आ जाऊंगा और फिर उसके आने का इंतजार करूंगा, फिर मैं उसे मार डालूंगा और उसकी लाश घर में छुपा दूंगा, और फिर तुम्हारे सोने के बाद उसकी लाश ठिकाने लगा दूंगा ताकि तुम्हें कुछ पता भी ना चले। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था जब तक तुमने उसकी लाश नहीं देख ली। अब मैं क्या करूंगा? हाँ, ऐसा कहते हुए वो मेरे पेरेंट्स के बेड पर बैठ गया। उसके पैर मुझसे बस आधा फीट की दूरी पर थे। बताओ मुझे, बताओ अब मैं क्या करूंगा? मुझे नहीं लगता कि तुम इतना बड़ा राज अपने दिल में रख सकते हो, इसलिए मेरे पास अब और कोई रास्ता नहीं बचा है बेटे। वो अचानक झुका और बिस्तर के नीचे ठीक मेरी आंखों में आंखें डालकर देखने लगा, फिर चिल्लाया, तुम्हारी मौत का वक्त आ गया है डिलन। अब कौन डरा हुआ है? मैं भागने लगा और काइल मेरा पीछा करने लगा। मैं उसके भारी पैरों की आवाज सुन सकता था। मैं ऊपर की तरफ भागने लगा और उसने पीछे से मुझ पर वार कर दिया। किस्मत से मुझे ज्यादा नहीं लगी, लेकिन मेरी टी शर्ट फट चुकी थी। लेकिन मैं रुका नहीं, मैं सीधा अपने कमरे की तरफ भागा, और इससे पहले कि वो अंदर आ पाता मैं दरवाजा बंद कर चुका था। काइल मेरे दरवाजे पर आकर उसे जोर जोर से पीटने लगा। मुझे तो लगा कि तुम्हें डरावनी फिल्में पसंद है। हाँ, ये तुम्हारी जिंदगी की असली डरावनी फिल्म चल रही है। बाहर निकल, बाहर निकल डिलन, अपने असली बेबी सिटर के साथ खेलने का वक्त आ गया है। और उस वक्त मुझे एक बार फिर दरवाजे पर बजी घंटी सुनाई थी। मैं अपने कमरे की खिड़की से झांक कर देखा तो पिज्जा की डिलीवरी देने के लिए आदमी आया था। मैंने उसे जोर से चिल्ला कर कहा, पुलिस को फोन करो, उसके पास चाकू है, 911 पर फोन लगाओ। लेकिन इससे पहले कि वो पिज्जा वाला मेरी बात को समझ पाता, काइल भागते हुए नीचे गया और दरवाजा खोलकर उस आदमी पर चाकू से हमला करने लगा। ये तो अच्छा हुआ कि पिज्जा देने आया वो आदमी काइल से काफी ताकतवर था। कुछ देर की लड़ाई के बाद वो काइल के हाथ से चाकू छीनने में सफल हुआ। पुलिस को बुलाया गया और उन्होंने काइल को अपने बेस्ट फ्रेंड के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का फोन आने पर मेरे पेरेंट्स भागते हुए मेरे पास पहुंच गए। उन्होंने मुझे गले लगाया और रोने लगे। मैं उनकी आंखों में अपने लिए डर देख सकता था। मेरे डैड ने पिज्जा वाले को मेरी जान बचाने के लिए अच्छे पैसे दिए। इससे भी ज्यादा डरावनी बात यह थी कि पुलिस को काइल के बैग से नींद की गोलियां, रस्सी और 3 प्लास्टिक के बैग मिले। वो लड़का पूरी तैयारी के साथ आया था। मुझे इस बात पर कोई शक नहीं है कि उसके दिमाग में मुझे पिज्जा में नींद की गोलियां देकर सुलाने का प्लान था, ताकि वो जोशुआ की लाश से पीछा छुड़ा सके। जब भी मेरे पेरेंट्स को देर रात तक के लिए बाहर जाना होता है तो वो मुझे मेरी दादी के पास छोड़कर आ जाती हैं। अब वो कभी मेरे लिए कोई बेबी सिटर नहीं रखेंगे। कुछ हफ्तों पहले मेरे साथ जो हुआ उसे मैं अपने दिमाग से अभी तक नहीं निकाल पाया हूं। और सच कहूं तो मुझे नहीं लगता कि मैं कभी निकाल पाऊंगा भी। मैं आपको शुरू से बताता हूं। मेरा नाम जेक है, मैं एक बेबी सिटर हूं और शहर से बस 1 घंटे की दूरी पर रहता हूं। एक परिवार ने मुझे संपर्क किया। वो हाल ही में एक नई जगह से इस शहर में शिफ्ट हुए थे। उनके 2 बच्चे थे, एक बेटा जो 7 साल का था और एक बेटी जो 5 साल की थी। वो परिवार बात करने में काफ़ी अच्छे लग रहे थे, इसलिए मैंने उनके लिए काम करने का फैसला किया। जब उन्होंने मुझसे पहली बार बात की थी तो यकीन मानिए मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। मेरा मतलब है कि उन्हें कोई अंदाज़ा ही नहीं था कि छोटे कस्बों में बेबी सिटर को कितने पैसे मिलते हैं। उन्हें इस बात का अंदाज़ा ही नहीं था। जो पैसे वो मुझे दे रहे थे वो आम तौर पर मिलने वालों से 3 गुना ज़्यादा थे, इसलिए मैं उनकी मदद करने के लिए बिल्कुल तैयार था। मुझे उनके साथ फ़ोन पर की हुई बात आज भी याद है। हेलो, मुझे तुम्हारे बारे में अपने एक दोस्त से पता चला है। हम इस शहर में नए हैं और हम एक बेबी सिटर की तलाश कर रहे हैं। क्या तुम काम करना चाहोगे? हाँ, क्यों नहीं, मैं हमेशा नए परिवारों के लिए बेबी सिटिंग करना चाहता हूँ। आपको मेरी ज़रूरत कब है? क्यों ना तुम कल ही आ सकते हो। हमें एक डिनर पार्टी पर जाना है और बच्चों का ध्यान रखने के लिए हमें कोई चाहिए। काफ़ी बढ़िया प्लान है, मैं आपको कल 6 बजे मिलता हूँ। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मेरे साथ क्या होने वाला था। अगर मुझे थोड़ा सा भी अंदाजा होता तो मैं कभी उनके लिए बेबी सिटिंग नहीं करता। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, वो मुझे बात करने में बहुत ही अच्छे लगे थे और मुझे पैसों की जरूरत थी। मैं अगले दिन थोड़ी देर में उनके घर पहुंचा। जिनसे मेरी फोन पर बात हुई थी उन्होंने ही दरवाजा खोला और मेरा स्वागत किया। हेलो, तुम जरूर बेबी सिटर होगे राइट? जी हाँ, देर करने के लिए माफ कीजिएगा। प्लीज, कोई बात नहीं। उसने मुझे बताया कि उसकी बीवी ऊपर तैयार हो रही है और बच्चे लिविंग रूम में बैठकर टीवी देख रहे हैं।
उसने मुझे घर दिखाया और कौन सी चीज कहाँ है उसके बारे में बता दिया। फिर उसने मुझे बच्चों से मिलवाया। ये पहली बार था जब मुझे कुछ अटपटा लगा। एक बच्ची सोफे पर बैठी हुई थी और बिना पलके झपकाए टीवी ही देख रही थी। जब उसके डैड ने उसे मेरे बारे में बताया, उसके बावजूद उसने मुझे नहीं देखा। ऐसा लग रहा था जैसे वो किन्हीं ख्यालों में खोई हुई है। दूसरी तरफ उनका बेटा अपनी जगह से कूद कर मुझसे मिलने आया और उसने बहुत ही जोर से मेरा हाथ पकड़ा। आपसे मिलकर अच्छा लगा, मेरा नाम टिमी है। मुझे भी तुमसे मिलकर अच्छा लगा टिमी। उस लड़के के अंदर की ऊर्जा कमाल थी। मुझे ना चाहते हुए भी मुस्कुराना पड़ रहा था, जबकि मुझे परिवार के बाकी लोगों को देखकर अजीब लग रहा था। उनकी डैड ने मुझसे ये कहकर इजाजत ली कि उनकी वाइफ किसी भी वक्त नीचे आती ही होगी। कुछ ही मिनट के बाद मैंने घर के दरवाजे के बंद होने की आवाज सुनी। मैं सोफे पर टिमी के बगल में जाकर बैठ गया और मैंने उससे पूछा कि वो क्या देख रहा है। उसने मुझे किसी शो का नाम बताया जिसके बारे में मैंने पहले कभी नहीं सुना था, और मैं सच कहूं तो मैं उसकी बातों पर ध्यान दे भी नहीं रहा था। मेरा दिमाग कहीं और ही था। मैं ना चाहते हुए भी ये सोचने पर मजबूर हो रहा था कि आखिर इनके डैड ने मुझे इनकी मॉम से क्यों नहीं मिलवाया। मुझे ऐसा महसूस होने लगा था कि जैसे कि वो चाहती ही ना हो कि मैं उनके घर आऊं। मैं कोशिश कर रहा था कि मैं इस बारे में ना सोचूं, लेकिन आप समझे कि मैं पहले से ही बहुत अजीब महसूस कर रहा था। मैंने फैसला किया कि मैं टिमी से उसकी मॉम के बारे में पूछूंगा। मुझे वो अच्छी नहीं लगती, वो बहुत झूठ बोलती है और डैडी को गुस्सा आ जाता है। तुम उनसे मिलना चाहोगे? लेकिन अभी तो वो घर पर नहीं है, है ना? बिल्कुल घर है, आओ चले। मैं उसकी बात सुनकर एक बार के लिए हैरान हो गया। फिर मैं समझ गया कि वो मेरे साथ कोई खेल खेल रहा है, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैं टिमी के पीछे पीछे ऊपर जाने लगा और वो मुझे हॉलवे के आखिर में बने एक दरवाजे तक ले गया। उसने हल्के से उस पर खटखटाया और फिर दरवाजा खोल दिया। मॉम, मैं आपको हमारे नए बेबी सिटर से मिलवाने आया हूँ। मेरी सांसें रुक सी गई। मेरे दिल ने जैसे धड़कना ही बंद कर दिया हो। मैं अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। कमरे के बीच में एक बिस्तरा लगा हुआ था जिस पर एक औरत लेटी हुई थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो करीब 30-32 साल की होगी और वो हद से ज्यादा पतली थी। उसके बाल सफेद हो गए थे और उन पर बहुत तेल लगा हुआ था। उसकी त्वचा पीली पड़ गई थी। उसे देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि उसने हफ्तों से कुछ खाया होगा। उसके बारे में जो सबसे ज्यादा डरावनी चीज थी वो थी उसकी आंखें। वो उनकी खोपड़ी के अंदर घुस चुकी थी और पूरी तरह काली हो गई थी। वो हिस्सा जैसा खोखला था, बस दो काले गड्ढे जो मुझे देख रहे थे। उस औरत ने अचानक अपना सर घुमाया और मुझे उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई राक्षस मुझे देख रहा हो। उसका मुंह थोड़ा सा खुला और उसने भारी आवाज में कहा, मेरी मदद करो। मैं चलाया और पीछे होने लगा। मेरे पैर एक कुर्सी से जाकर लगा और मैं जमीन पर गिर गया। मैं अपने पैरों पर वापस खड़ा हुआ और दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन टिमी मेरे आगे दरवाजे पर खड़ा था। उसके चेहरे पर अजीब से भाव थे और मैंने देखा कि उसकी बहन भी उसके साथ मिल गई थी। डैडी ने कहा है कि हम तुम्हें जाने नहीं दे सकते। आखिर यहाँ क्या चल रहा है? तुम्हारी मॉम को क्या हुआ है? मैं उनकी तरफ चलने लगा, उन्हें ऐसा दिखाने के लिए कि मैं उन्हें धक्का देकर पार करके निकल जाऊंगा। लेकिन जैसे ही मैं टिमी के हाथ में चाकू देखता हूँ, मेरी गर्दन के पीछे के बाल खड़े हो जाते हैं। डैडी ने कहा है कि हम तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दे सकते, वरना तुम बाहर जाकर सबको मम्मी के बारे में बता दोगे। कभी कभी उन्हें इस तरह का नाटक करना अच्छा लगता है, और अगर डैडी को पता चला तो वो बहुत नाराज होंगे। मैं बौखला गया और इधर उधर देखकर सोचने लगा कि ये कोई घटिया मजाक होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये सब सच हो। लेकिन ये सब सच था और मैं फंस चुका था। मैं जल्द ही कुछ सोचने लगा। मैं ध्यान से कमरे के चारों ओर देखने लगा और मेरा ध्यान खिड़की पर गया। मैं उसकी तरफ भागा और मैंने उसे खोल दिया। मैंने इस बात पर भी गौर नहीं किया कि मैं तीसरी मंजिल पर हूँ। मैंने टिमी और उसकी बहन को पीछे से चिल्लाते हुए सुना और मैं घर की साइड पर बनी पतली छत पर चलने लगा। मैंने खुद को इस छत पर फेंका था, जिसकी वजह से अब मुझे छाती पर दर्द भी हो रहा था। मैं पीछे से उसे सुन सकता था। टिमी मेरे बहुत पास आ चुका था और हंस रहा था। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो बस उस छत पर चढ़ गया था और मेरी तरफ बढ़ रहा था। उसके हाथ में अभी भी चाकू था। मैंने उसे मुझसे दूर रहने को कहा, लेकिन इससे वो और भी ज्यादा जोर जोर से हंसने लगा। मैंने अपना ध्यान वापस से आगे बढ़ने पर लगाया। मैं छत के आखिर तक पहुंचने ही वाला था कि मुझे पैर पर चाकू के लगने का तेज दर्द महसूस हुआ। मैं चिल्लाया और चोट को पकड़कर उस छत की जमीन पर गिर गया। टिमी मेरे सर पर खड़ा था और मेरे साथ ऐसा करने पर बहुत मुस्कुरा रहा था। डैडी ने कहा है कि ये डिनर का टाइम है। भाड़ में जाओ। जितना जोर से हो सकता था मैंने उतने जोर से उसे धक्का दिया। उसके हाथ से चाकू छूटा। तेज प्रभाव की वजह से वो पीछे की तरफ गिरा और चिल्लाया। उसकी चीख आज भी मेरे कानों में गूंजती है।
मैं दर्द में वहीं पड़ा रहा और मदद मिलने का इंतजार करने लगा। बाद में मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया और मेरा इलाज शुरू हुआ। मैंने टिमी या उसकी बहन को दोबारा कभी नहीं देखा, लेकिन मैं आज भी उस दिन के बारे में सोचता हूँ। कार्यवाही के बाद मिली जानकारी से मुझे ये पता चला कि वो आदमी अपने बच्चों और बीवी के साथ बुरा सलूक करता था। उसकी बीवी को कैंसर स्टेज 4 था और वो मौत के काफी करीब थी, और बच्चों को इस बात पर यकीन दिलाया गया था कि अगर कोई इस घर से बाहर निकला तो उनकी मॉम मर जाएगी। हालांकि मुझे इस कहानी पर विश्वास नहीं है। मुझे आज भी टिमी की बहन की आंखें याद हैं और मुझे आज भी रात में कभी कभी उसकी हंसी की आवाजें आती हैं। मैं नहीं जानता कि उस परिवार के साथ क्या हुआ, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि मैं उनके बारे में अब कुछ नहीं जानना चाहता। मैं बस उम्मीद करता हूं कि मुझे दोबारा उन्हें कभी ना देखना पड़े।